जिले के खजनी क्षेत्र के उनवल कस्बा टेकवार में शनिवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान सहजनवा के विधायक शीतल पांडे, खजनी विधायक संत प्रसाद, उनवल नगर पंचायत अध्यक्ष उमाशंकर निषाद, ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह व नवल्स अकेडमी के प्रबंधक संजय त्रिपाठी मंच पर मौजूद रहे। सीएम योगी के पहुंचते ही जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा व एसडीएम पवन कुमार, सीओ इंदु प्रभा सिंह ने मुख्यमंत्री योगी का स्वागत किया। इस दौरान मंच पर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से बाढ़ प्रभावित 5 पीड़ितों को राहत सामग्री किट का वितरण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था व बाढ़ के पानी से डायरिया व अन्य रोग के निवारण के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को गर्म पानी पीने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, बाढ़ से प्रभावित लोगों को अगर जन हानि होती है तो उन्हें 4 लाख रुपए, मकान क्षतिग्रस्त होता है तो 95,000 रुपए की राशि, पशु हानि होने व बाढ़ के बहाव में क्षतिग्रस्त पक्का मकान के गिरने पर भी तहसील प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद सूबे के मुखिया ने भाजपा नेताओं से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक जानकारी ली और उचित प्रबंध के निर्देश दिए। पिछले 15 दिनों से बाढ़ की जो स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, लगातार 15 दिनों से भारी बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल से आने वाली सभी नदियों के कारण यहां पर बाढ़ की इस विभीषिका से आप सबको जूझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन आपदा के इस समय में केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी आप सबके साथ में है और अपनी पूरी संवेदना पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त करते हुए राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए आज मैं स्वयं आपके क्षेत्र में आया हूं। मैंने भी देखा है पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है। मैंने इससे पहले 1998 की बाढ़ को भी देखा है और इससे पूर्ववर्ती वर्षों में भी देखा है। इतना पानी कभी नहीं था नदियों में। राप्ती नदी तो 2.5 से 3 मीटर ऊपर खतरे के निशान से बह रही है, लेकिन इस सब के बावजूद धैर्य के साथ जनता जनार्दन इस आपदा से लड़ने के लिए जिस मजबूती के साथ खड़ी है और प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के यहां के हमारे दोनों विधायक श्री संत प्रसाद जी भी और शीतल पांडे जी भी यहीं पर हैं, इस विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी हैं, यहां के युवा नेता रामपाल सिंह भी हैं और भी अन्य तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आपकी सेवा के लिए, जनप्रतिनिधिगण आपकी सेवा के लिए यहाँ पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपदा के इस घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ, आपकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरण करने के लिए व्यवस्था की गई है। मैंने प्रशासन से पहले ही कह दिया था कि नाव की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से पीएसी की फ्लड यूनिट को भी लगा करके हर गांव में राहत कार्य और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर करें। हमें मनुष्य को भी बचाना है और उनके पालतू जो पशु हैं उनको भी बचाना है, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और भी जो कुछ भी होंगे उन सबको बचाने के लिए, उनको राहत प्रदान करने के लिए सरकार
भरपूर मदद आप सबको करने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। ये राहत सामग्री यहाँ पर इसीलिए आप सबकी सेवा में ही प्रदान की जा रही है और हर एक गांव में अगले 3-4 दिनों के अंदर ये राहत सामग्री हर पीड़ित परिवार तक पहुंचाने की पूरी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि बचाव और राहत के साथ ही इस समय पानी का जो संकट है, बरसाती पानी पीने से डायरिया हो सकता है और भी तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए क्लोरीन की टैबलेट भी हर गांव में हर परिवार को उपलब्ध करवाएं। जहां पर लोगों को डायरिया आदि की शिकायत हो या इस प्रकार की स्थिति, वहां चिकित्सीय टीम भेज करके लोगों को तत्काल राहत दें और साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि उन क्षेत्रों में किसी को भी कोई समस्या न हो। ORS के पैकेट भी लोगों को उपलब्ध करवा करके उससे कहीं कोई समस्या होती है तो व्यापक जागरूकता के माध्यम से लोगों को बताना कि पानी गर्म करके ही छान करके तब पिए, बरसाती पानी पीने से नुकसान हो सकता है। ये भी व्यवस्था की जा रही है कल से कि हर क्षेत्र में स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, छिड़काव का, फॉगिंग का, जिससे मलेरिया है, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, इन सभी बीमारियों से भी लोगों को बचाया जा सके। एक विशेष अभियान एक सप्ताह का ये चलेगा जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, लखनऊ से भी हमने वरिष्ठ अधिकारी भेजे हुए हर जनपद में भेजे हैं जो आकर के यहाँ पर इन सभी कार्यों के साथ जुड़ करके जनता के साथ मिल करके न केवल कोरोना महामारी के खिलाफ बल्कि बाढ़ के बाद होने वाली किसी भी संभावित बीमारी से रोकथाम करने में योगदान देंगे। हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पशुओं के चारे के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ अगर बाढ़ से जनहानि होती है तो 4 लाख रुपए पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने, किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उसे 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवाने, नदी की धारा में अगर किसी का पक्का मकान चला गया तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाने, पशुधन की हानि पर भी भैंस है, गाय है, बकरी, मुर्गी, इन सब के मरने पर भी या बाढ़ की चपेट या आपदा की चपेट में आने पर उन्हें भी आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी प्रशासन को कहा गया है कि अगर किसी किसान की या बटाईदार की आपदा के कारण मौत होती है, किसी जंगली जानवर के सांप के काटने से, किसी जंगली जानवर के काटने से दुखद मृत्यु होती है तो उस परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। इस समय जब बाढ़ का पानी है, सांप के काटने की, बिच्छू, जंगली जानवर, आवारा कुत्तों की भी काटने की बड़ी शिकायतें होती हैं, इसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हर एक जगह जो सांप के काटने का इंजेक्शन है, यानी एंटी स्नेक वेनम और कुत्ते अन्य जंगली जानवरों के काटने के कारण एंटी रेबीज जो वैक्सीन है, ये भी हर एक जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है जिससे किसी को भी परेशानी न हो। ये संकट का समय है, आपदा का समय है। यद्यपि पिछले 1.5 साल से पूरा देश और पूरी दुनिया पहले कोरोना महामारी का सामना कर रही थी, अब हमें बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन संकट के समय पूरे धैर्य के साथ इसका मुकाबला करते हुए हम इस स्थिति से भी उभरेंगे और आप सब स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। सरकार हर एक प्रकार से आपकी मदद करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है और आज इसी की समीक्षा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच आया हूँ। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। हम लोगों ने गोरखपुर जनपद के 304 गांव
इस बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिसमें 405 नाव और 50 स्टीमर अब तक हम लोगों ने बचाव और राहत कार्य के लिए लगाए हैं। जगह जगह बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक से संवाद बना करके राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग बहुत शीघ्र बाढ़ की स्थिति पर भी नियंत्रण स्थापित करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति तक राहत सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। मुझे यही आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।